हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वाड़ी के सैनिक चौक में देशभक्ति की धुन के साथ शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर कई पूर्व सैनिकों ने अपने तजुर्बे के साथ अपनी यादें भी साझा की। साथ ही वाड़ी पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मी को अतिथि रूप में बुलाया था। वाड़ी पुलिस कर्मियों ने शहीद जवानों के बारे में दर्शकों को प्रबोधन किया और देशभक्त की भूमिका बताई। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को देश भर में याद किया जाता है। कारगिल का यह ऐतिहासिक युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक तथा वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने शहीद सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिकों द्वारा वाड़ी पुलिस स्टेशन के खुफिया इंचार्ज चक्रधर भरपत, SC चंद्रशेखर घोड़मारे, संजय राठौड़ का सम्मान सत्कार किया गया। इस दौरान जय जवान पूर्व सैनिक संगठन वाड़ी के अध्यक्ष BD शरणागत, उपाध्यक्ष P जाधव, PRO P विठल राव, सलाहकार HB कुमार, सदस्य AP मुन, R ढाकनी, S द्विवेदी, सुधाकर वानखेड़, NB लांजेवार, DS महाजन, KR मोडक, MS सकलानी, SK सकलानी, VS खुशवा, AG सांगुड़े, विश्वास सिंह, प्रमोद किरके, शकुंतला चौधरी, कलावंती खड़से, रजनी बंसोड़े, लक्ष्मी लांजेवार आदि प्रमुखता से मौजूद थे। उपस्थित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन 26/11 को अपने कारगिल युद्ध के समय में अपने जवानों ने जो खुद के जान की बाजी लगाकर अपने कारगिल को अपने इसमें ये की, और उसी के उपलक्ष्य में आज अपन कारगिल दिवस शहीद दिवस मनाते हैं। बस तो यही कहकर मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष जय जवान माजी सैनिक संगठन वाड़ी नागपुर, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, खास करके हमारे पत्रकार श्री खाक्षे प्रोफेसर खाकरे खाक्षे सर, पाटिल सर और हमारे पुलिस प्रतिनिधि आए, उनका तहदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, हम लोग यहाँ किस चीज़ किस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं यह आप सबको पता है, उसके बारे में हमारे प्रोफेसर खाक्षे सर आपको इस रूप में बताएंगे। हाँ, हमारी संगठन क्या काम करती है ये आपको पता होना चाहिए, बोले जो सभी को पता है। वैसे जो भी पेंशनर्स आए हैं उसका कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा नगर परिषद का काम हो, जिला सैनिक का काम हो, वो सब हम लोग मिलजुल के करते हैं, कोई अकेला नहीं करता है और हमारी संगठन सुचारू रूप से चलती है। इतना दो शब्द बोल करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। NBC न्यूज़ के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।